बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट पेश करते हैं। अभी तक की खबरें। नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने दोषी नियमित पार्षद पालेराम शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नगर परिषद कार्यालय बहादुरगढ़ पर लगातार आठवें दिन भी हड़ताल व विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हड़ताल की अध्यक्षता इकाई सचिव राजपाल ने की और नगरपालिका जिला प्रधान राजेंद्र कुशामण ने मंच का संचालन किया। वहीं बहादुरगढ़ प्रशासन दोषी नियमित पार्षद पालेराम शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा प्रशासन से मांग करता है कि वह अपना काम ईमानदारी से करते हुए कानूनी कार्यवाही करें। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों पर बार बार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है। वहीं कर्मचारियों को प्रशासन समझौता करने के लिए बार बार दबाव बना रहा है। इस प्रकार के भेदभाव को सर्व कर्मचारी संघ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ ने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने घोषणा करते हुए कहा कि बहादुरगढ़ इकाई के समर्थन में 6 अक्टूबर को बहादुरगढ़ शहर में विधायक के कार्यालय तक प्रदर्शन किया जाएगा। अगर 8 अक्टूबर तक दोषी मनोनीत पार्षद पालेराम शर्मा को गिरफ्तारी नहीं किया गया तो प्रदेश भर के 87 पालिकाओं व परिषदों के कर्मचारी सड़कों उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे और नगर पालिका सफाई कर्मचारियों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारी प्रदर्शन में भाग लेंगे और इसके बाद भी गिरफ्तार नहीं किया तो हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन किए जाएंगे और अगर हड़ताल करनी पड़ी तो प्रदेश भर में कर्मचारी तैयार है। वहीं इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री का कहना है कि हमारे सभी कर्मचारियों की और कार्यकर्ताओं की हमने बैठक की है। जो ये यहाँ पर एक नॉमिनेट पार्षद पालेराम ने हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर यहाँ पिछले 7 दिनों से हड़ताल चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये हड़ताल हमने आगे बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि पालेराम शर्मा द्वारा लगातार हमारे कर्मचारियों के साथ में बर्बरता और बदतमीजी की जा रही है और यहाँ के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनके जो सुपुत्र हैं उन्होंने भी हमारे कर्मचारी जो डिग्गी पर रहते हैं उनके साथ में धमकी देने का काम किया है, उनकी लाइटें कटवाने का काम किया है और उनको ये कहा है कि तुम अवैध जमीन के अंदर रहते हो, तुम्हारे इन मकानों को हम तुड़वाएंगे। तो हम ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं और हमने सरकार की नॉलेज में इस बात को बिल्कुल डाल दिया है, उनको बता दिया है कि अगर इतवार तक दोषी पार्षद को गिरफ्तार पुलिस प्रशासन झज्जर नहीं करेगा तो ये लड़ाई अब केवल बहादुरगढ़ में नहीं रहेगी। सोमवार से हरियाणा के 87 शहरों के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आंदोलन करेंगे। अगर उसके बाद भी आंदोलन करने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे हरियाणा में इसको लेकर के हम हड़ताल पर जा सकते हैं, ये हमने सरकार को स्पष्ट कर दिया है।